back to my channel and I hope you're doing well. I am not on a serious note because मेरे को बहुत गला ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है गले में एंड खांसी भी हो गई है, कोल्ड भी है थोड़ा सा एंड सर दर्द तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है. ऑल्सो आज मैंने स्पेक्स लगाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि स्पेक्स मुझे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज आज मैंने सोचा कि वीडियो में कुछ न्यूनेस आ जाएगी इसलिए आई ऑप्टेड फॉर स्पेक्स टुडे. अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो कि ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको मेरी बाकी वीडियोस भी कैसी लगती हैं. प्लस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माई चैनल एंड ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दो कि वॉट काइंड ऑफ वीडियोज शुड आई मेक और वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट डू यू वॉन्ट मी टू डू. तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे सारे सजेशंस दो एंड ऑल्सो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के हैंडल्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसके साथ साथ अपनी पुरानी वीडियोज़ के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए. आई होप यू लाइक इट. गाइस मुझे बताओ कि आपका लॉकडाउन, आपका क्वारंटीन कैसा जा रहा है, बिकॉज आई होप सब लोग घर में ही हैं और ये वीडियो घर में ही देख रहे हैं. यू आर स्टेइंग सेफ, यू आर स्टेइंग होम बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें घर में रहना इस टाइम, तो इसीलिए आई होप आप सब घर में ही हैं. तो गाइस जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने व्हाइट सॉस पास्ता बनाया विच टर्न्ड आउट टू बी गुड. अब हम इसमें अपना जो बॉइल्ड पास्ता है वो डालेंगे. सो हियर इट गोज. गो गो गो. अरे जाओ. ये बिल्कुल जम गया. तो और इस टाइम भी मैंने सोचा कि आई शुड मेक समथिंग एंड कुछ नया टेस्ट टेस्ट करेंगे, तो इसीलिए व्हाट बेटर देन मोमोज. वाओ. तो इसीलिए मैं आज मोमोज बनाऊंगी एंड उसका टेस्ट टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वो कैसा बनेगा. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ पर्सन हु कुक्स वेरी वेरी मच. सो इसीलिए मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है और पिछली वीडियो में भी नया एक्सपीरियंस था. और अगर आपने अभी तक भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट चेक इट आउट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. गो एंड सी दैट वीडियो और उसमें पास्ता की रेसिपी भी आपको दिख जाएगी. सो इसीलिए लेट्स गेट इन टू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अड्यू. सी यू गाइस इन द किचन. Getting into my kitchen और अब मैं मोमोज प्रिपेयर करने वाली हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम. सो बाय. वेलकम टू हिमांशी किचन एंड इन टुडेज मेन्यू वी गोना मेक मोमोज. यस वी गोना मेक मोमोज. हमारा सब कुछ सामान रेडी है एंड ये इसका डो है जो हमने पहले से स्टोर करके रखा था. ये इसकी स्टफिंग है विच इज ऑफ पनीर और ये इस पर हम बनाएंगे शेप देंगे उसे. इसे हम बेलेंगे दैट इज फॉर स्प्रिंकलिंग. ओके तो अब हमने अपना डो ले लिया है, इतना इसी क्वान्टिटी में डो बिल्कुल ठीक है. अब हम इसको बेलते हैं. अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये डालते हैं. आई थिंक ये बहुत बेकार बन रहा है मुझसे अभी तक. शिट ये चिपक रहा है. ओके लेट इट बी. ये शेप ठीक है. इसके बाद अपनी स्टफिंग डालते हैं विच इज़ ऑफ पनीर. अब इसको शेप देते हैं विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देन लाइक दिस, लाइक दिस. आई थिंक ये पनीर बाहर आ रहा है. ओके तो मैंने ये ऐसे बनाया है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है सो प्लीज़ डोंट जज मी दैट आई एम अ बैड कुक. बट ये कैसा बनेगा इसको हम एंड में देखेंगे कि इसकी शेप कैसे आती है. अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ. ओके बाय. सीरियसली ये सेकंड वाला जो है ये उससे बहुत बेटर बना है और ये मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गई. सो अब इसके बाद देखना. सी गाइस इट्स अ वियर्ड पोजीशन ऑफ प्लेसिंग माय कैमरा बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसलिए मुझे यहाँ पर रखना पड़ रहा है. सो बेयर विद मी. ये डो ले लिया है एंड आई एम गोना रोल इट रोल इट रोल इट रोल इट रोल इट अंटिल इट बिकम्स अ बॉल बॉल यू नो बॉल या बॉल एंड देन आई फिर हम इसको इसमें डालेंगे ऑन द लूज मैनर एंड देन वी विल गोना और फिर हम इसको बेलेंगे. बेलना ही होगा बेलना या तो वही हम करेंगे अंटिल इट बिकम्स वेरी थिन. मोमोज में मेरे को नहीं लगता कि कोई
specific shape होती है, जो भी shape आए वही बनाते रहो. And it's gonna be a huge dumpling, बहुत बड़ा बनेगा ये वाला. इस shape से ही मुझे पता चल रहा है कि बहुत बड़ा बनने वाला है. बहुत बड़ा ये वाला. तो अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे. स्टफिंग डाल रहे हैं अब इसमें. इसको पनीर से स्टफ कर रहे हैं हम, एंड देन फोल्ड करेंगे. देखो मुझे फोल्ड करना नहीं आता, ठीक है. मैं जो भी शेप बना रही हूँ ना, तो बेयर विद इट. ये हमने रोल कर करके ऐसा बना दिया है, ठीक है. ये ऐसा बन चुका है. आई थिंक इट्स अ क्यूट डम्पलिंग. तो अब ये ऐसा बन गया है, ये बहुत अच्छा बना है. This one is nice. इसको और थोड़ा सा फिनिशिंग देके. बट आई थिंक इसका जो ये पार्ट है ना, ये एक्सेसिव है, और ये मुझे लग रहा है कहीं कच्चा ना रह जाए. बट इसको ज़्यादा देर स्टीम करेंगे तो ये हो जाएगा. गाइस आई डोंट नो व्हाट मेस आई हैव मेड दिस टाइम. तो ये मेरा छोटा सा मोमो है. आई डोंट नो व्हाट शेप इट इज. आई थिंक इट्स लाइक अ काउच, इट्स अ स्मॉल डम्पलिंग. तो इसकी भी शेप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. पीछे से ये पता नहीं क्या लग रहा है, एंड ऑब्वियसली ये काउच लग रहा है, सो आई लाइक इट. ओके, नाउ ये दो मोमोज ऑलरेडी है वहाँ पर, तो मैं अब ये तीसरा भी इसमें रख रही हूँ. अब ये तीनों को देखते हैं कैसे बनते हैं. अब इन्हें कंपनी मिल गई है. सो गाइस इतनी मेहनत के बाद परफेक्ट शेप के तो यही वाले बने हैं. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस, और अब ये रेडी है. तो मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ, एंड देन इनका टेस्ट चेक करेंगे. ओके बाय. सो गाइस अब ये मोमोज रेडी हैं, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड. और ये इसकी चटनी है, ये रात को ही बना ली थी मम्मी ने, और ये मेयोनीज है. तो अब हम खाते हैं, एंड लेट्स सी. तो गाइस इतनी मेहनत के बाद और इतनी देर मोमोज बनाने के बाद आई हैव माय मोमोज विद मी. ये है. आई थिंक ये परफेक्ट शेप के बने हैं. और अब एक छोटा सा टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं. तो ये बहुत गर्म है, अभी तक बहुत गर्म है. आई टेस्ट इट एंड टेल यू. इसको मैं पहले थोड़ी सी चटनी के साथ लूँगी, एंड देन आई टेक सम मेयो. ये दोनों मैंने ले लिया. अब इसको टेस्ट करते हैं. आई थिंक इट्स टू गुड. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. थम्स अप. मैं थोड़ा सा खाने के बाद आपसे मिलती हूँ. A few moments later. Hi guys, welcome back. मैंने अपने मोमोज टेस्ट कर लिए हैं, आपको दिखाया था मैंने, एंड दे वर सो गुड. सही में बहुत दिनों के बाद मोमोज खाए. नहीं, ऑल्सो गाइज मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कुक भी कर सकती हूँ. तो और अगर ऐसे ही आप मुझे और भी कुकिंग वीडियोस में देखना चाहते हो, एंड यू वांट मी टू कुक मोर, तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जस्ट लाइक इट, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो. और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माई चैनल. प्लस मैं आपसे यही अपील करूँगी कि प्लीज़ अपने घर में रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. और अपनी हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखो, बिकॉज हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. सो इसलिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.